निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 0971740-8645, 0888-22-0330। राधारमण हरि बो जय जय राधारमण। बड़े प्रसन्न मन से महाराज घर में आए हैं और अपनी धर्मपत्नी को आवाज दिए हैं कि अरे भगवान, एक ब्राह्मण मिले, एक संत मिले मुझे और उन्होंने ये प्रसाद दिया। और प्रसाद दिया तो कहा कि जो पुत्र पैदा होगा वो वेदों का परम ज्ञानी होगा, पूरे संसार में उसका नाम जगमग मग तारों की तरह जगमगाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इधर जो पत्नी है वो चाहती नहीं है कि मेरा पुत्र हो। क्यों? आज लौकिक संसार में ये बात समझ लीजिए, वो क्यों नहीं चाहती है? वो कहती है कि किसी के मुख से उसने सुन रखा था कि पुत्र होता है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। उस बात से उसको इतना डर लगा कि उसने बच्चा पैदा न करने का फैसला कर लिया। और ब्राह्मण देव को यह लग रहा था कि मेरा पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा। आज प्रसाद लाके दिए हैं अपनी धर्मपत्नी को, पत्नी ने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो संत का दिया हुआ प्रसाद है ना। देखिए हम लोग जो जो जूठन खाते हैं या जो छोड़ते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। आप जिस व्यक्ति का जूठन खाएंगे वैसा ही आपके अंदर गुण उत्पन्न हो जाएगा, ये शास्त्र निषेध कहता है। लेकिन अगर संत वही जूठन को देता है तो वो जूठन नहीं रहता भैया, फिर वो तो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद आज उस संत ने जो जूठन दिया है वो प्रसाद बन गया है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, उस प्रसाद को एक गौ माता को खिला दिया और 9 महीने बाद अपनी बहन का बच्चा लेके घर में आई है, हंसती हुई और कहती है कि महाराज देखिए हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, हमारे घर में पुत्र आया है। इधर ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए कि भाई आज हमारे घर में पुत्र आया है। और उसी दिन जो प्रसाद उन्होंने गौ माता को खिलाया था, आज उस गौ माता ने भी एक बच्चे का जन्म दिया क्योंकि वो संत का प्रसाद है ना। संत का प्रसाद कभी आज उस गौ माता से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बालक कैसा है? पूरा शरीर तो पूरा जो जो शरीर है वो तो मानव का है और जो कान है वो गौ माता का है, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण जी। बोलिए गोकर्ण भगवान की। आज उस बालक का नाम गोकर्ण रखा है। गोकर्ण मतलब जो वेदों को जानता है, जो वेदों को समझता है, जो भगवान का भजन करता है, उसको गोकर्ण बोलते हैं। शरीर इतना सुंदर और कान गाय माता का, बड़ा आश्चर्य हो रहा है उस बालक को देखने के बाद, लेकिन परम शांति भी मिल रही है। ऐसे महाराज गोकर्ण जी पैदा हुए हैं और जो पुत्र अपनी बहन के घर से लेके आए उसका भी नामकरण करवाने गए। बोले महाराज इसका भी नामकरण करो। तो लड़का बड़ा तेज था, देखिए ततो नाम
जैसा नाम वैसा गुण। ये समझ लीजिए, ये भागवत का प्रसंग आपको ये समझा रहा है कि व्यक्ति का जैसा नाम होगा वैसा ही उसके अंदर गुण आ जाता है, अपने आप आ जाता है। कैसे कि कोई कपड़ा पहना है, समझ लीजिए कोई लाल कपड़ा पहना हो तो ये नहीं कि हनुमान जी बन जाएगा, प्रेम से बोलो श्री राधा, लेकिन उसके अंदर वो लाल रंग का गुण आ जाता है उस समय के लिए। इसीलिए जब भी आप हम मंदिर जाते हैं तो वहां पे जो ध्वज होता है वो लाल रंग का होता है। हम कहते हैं ये हनुमान जी का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वो बलवान का प्रतीक है। तो रंग, रूप और नाम, ये तीनों गुण हैं। व्यक्ति का ये तीनों गुण होता है। तो आज बच्चे का नामकरण रखने का समय आया तो महाराज ने कहा ठीक है इसका नामकरण कीजिए। तो लड़का बड़ा तेज था तो उसका नाम रख दिया धुंधकारी, प्रेम से बोलो श्री राधा। नाम भी देखिए महाराज बड़ा विचित्र रख दिया, धुंधकारी। नाम का बड़ा महत्व पड़ता है व्यक्ति के जीवन में, इसलिए जब भी व्यक्ति का नामकरण कीजिए। हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए हैं, 16 संस्कार में एक संस्कार नामकरण संस्कार भी है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा नाम सोच समझ के रखना चाहिए। आज तो महाराज नाम कैसा लिखा जाता है, टिंकू पिंकू चिंकू, तो बच्चा भी आजकल टिंकू पिंकू चिंकू ही हो रहा है। आज बच्चे के अंदर वैसा ही गुण आ रहा है, टिंकू पिंकू चिंकू वाला। एक लड़का अपने घर में बैठा था और उसके पिता किसी बात को आवाज दे रहे थे, अरे पुत्र सुन रहा है? वो दो बार दिए, तीन बार दिए, वो नहीं सुनाई दिया उसको। बोले कि अगर नहीं सुनेगा तो आके तुझे मैं थप्पड़ लगाऊंगा। लड़के ने पलट के पता है क्या जवाब दिया, बोला आप थप्पड़ लगाने तो आओगे ना मेरे पास, एक पानी का गिलास भी लेते आना पीने के लिए, प्रेम से बोलो श्री राधा। अरे थप्पड़ लगाने तो आओगे ना, साथ में पानी का गिलास भी लेते आना, मुझे प्यास लगी। तो इसीलिए व्यक्ति को हमेशा नामकरण पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज वही नाम उसका धुंधकारी पड़ गया है और दूसरे बच्चे का नाम गोकर्ण रखा है, जो वेदों को जानता है, जो वेदों को समझता है, वही धुंधकारी। अब नाम तो धुंधकारी है, कुछ तो करामात दिखाएगा। आज वही बड़ा होके पूरा धुंध मचाया है राजा के नगर में, त्राहि त्राहि जनता कर रही है, त्राहि त्राहि जनता करने लगी। महाराज ये कैसा पुत्र आपने पैदा कर दिया जो पूरे जनता को ही परेशान कर दिया। अब इधर आत्मदेव जी खूब रो रहे हैं, अरे हाय मैंने क्यों ऐसा पुत्र पैदा किया, अरे वो अच्छा था, संत मना कर रहे थे लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, फिर भी नहीं उनकी बात मानते हुए मैंने पुत्र को जन्म दे दिया। अब मैं कहां जाऊं, किसको बोलूं, क्या करूं, क्योंकि व्यक्ति जब गलती कर देता है तब पछताता है, पहले नहीं पछताता। आज वही आत्मदेव जी ने गलती की है। जब ये बात आत्मदेव जी ने बहुत बिलख रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। आज गोकर्ण जी जो दूसरे उनके पुत्र हैं आज उनके सामने आए हैं। बोले पिताजी क्यों परेशान हैं? देखिए एक वो पुत्र है और एक ये पुत्र है। एक पुत्र पूछता है कि पिताजी आप क्यों परेशान हैं, और एक कहता है लगा दो आग कोई बात नहीं, अरे है तो पिता का ही ना, प्रेम से बोलो श्री राधा। तो आज गोकर्ण जी ने अपने अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भागवत में कहते हैं कि हे पिताजी ये जो शरीर मिला है ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि आप इसको भोग करें, आप इसको
व्यर्थ के कामों में लगाएं, आप जाइए भगवान का भजन कीजिए, तब जाके ये शरीर का उद्धार होगा। देखिए भागवत में एक और प्रसंग है कि अगर किसी से ज्ञान आपको मिलता हो, वो चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, सीख लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आत्मदेव जैसे महापुरुष को भी आज एक बेटे से ज्ञान लेना पड़ा है, तो उसमें छोटा बड़ा का कोई समझ नहीं है। जो व्यक्ति आपको अच्छी बात बताए, हमेशा उसके संगत कीजिए, उसकी शरण में रहिए। ये उपदेश ये भी कह रहा है। आज गोकर्ण जी भी ये बात कह रहे हैं कि पिताजी आप व्यर्थ की चिंता करते हैं, क्योंकि ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि आप इस शरीर से दुनिया के सुख भोगे, ये तो भजन करने के लिए मिला है, इसको परमात्मा में लगाइए। आज आत्मदेव को बात समझ में आया है, उन्होंने पुत्र की बात मानकर जंगल में चले गए हैं, शरीर को परित्याग कर दिए हैं। इधर धुंधकारी ने इतना उत्पात मचाया है अपने नगर में, इतना उत्पात मचाया है कि जनता त्राही त्राही करने लगी है। इधर गोकर्ण जी भी महाराज दर्शन के लिए चले गए हैं। इधर धुंधकारी ने सारे कर्म, जितने गलत कार्य थे, सभी कर्म उसने कर डाला, और उसके बाद एक दिन कुएं में जाकर गिर गया, और उसके बाद प्राण को परित्याग कर दिया। कुछ समय बाद जब गोकर्ण जी, जो उनके भाई थे, जब जब रात को जब भी सोते, उनके सपने में आके वो हंगामा करता, तो गोकर्ण जी को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये है तो मेरा भाई, लेकिन ये सपने में क्यों आता है, आखिर सपने में क्यों आता है भाई। गोकर्ण जी वहां से अपने घर को चले हैं। रास्ते में उनको खबर मिला है कि महाराज आपके भाई ने बहुत उपद्रव किया था, और इतना उपद्रव किया था कि नगर की जनता त्राही त्राही हो गई, और एक दिन कुएं में गिर के अपने प्राण को परित्याग कर दिया है। तब गोकर्ण जी को समझ में आया कि लगता है कि इसको मुक्ति नहीं हुई, ये अभी भी प्रेत योनि में भटक रहा है। गोकर्ण जी ने संतों की मंडली बुलाई है, बोले महाराज मेरा भाई प्रेत योनि में अटका है, उसको उद्धार करने का कोई उपाय सुझाइए। संतों ने कहा कि देखिए महात्मा, इस कली काल में सिर्फ कृष्ण नाम की कथा ही ऐसी कथा है जो प्रेत योनि से भी व्यक्ति को तार सकती है, प्रेत योनि से भी उसको मुक्त कर सकती है। गोकर्ण जी ने बड़े नगर में सभी को खबर पहुंचाई है कि महाराज आज आइए, आज हमारे नगर में भागवत का कथा प्रारंभ होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि नगर में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब तर जाएं। प्रेम से बोलो श्री राधे। नगर में जितने भी व्यक्ति हैं सब मुक्त हो जाएं, कोई इस जीव भटके ना, आज उसके लिए कथा हो रही है। बड़े सुंदर कथा का आयोजन हुआ है। और इधर जो धुंधकारी है उसको एक कांच का बांस वहां पे कथा में रख दिया गया है। अब थोड़ा प्रसंग को समझ लीजिए कि आप कई लोग शंका करते हैं कि महाराज वो कांच के बांस ही क्यों रखा। तो आज जब कथा का आयोजन हुआ है, वहां पर जैसे कथा प्रारंभ हो रहा है, श्री गोकर्ण जी महाराज विद्वान को व्यासपीठ पर बैठाए, कहे महाराज आप भागवत का प्रारंभ कीजिए, क्योंकि मुझे अपने भाई को भी मुक्त करना है इस जीव से, क्योंकि वो प्रेत योनि में महाराज भटक रहा है। जैसे भागवत कथा एक दो तीन चार पांच छह सात दिन चलती जा रही है, एक एक करके बांस के
फट्टे से आवाज आती जा रही है क्योंकि वो प्रेत योनि से मुक्त हो रहा है। लेकिन जब कथा समाप्त हुई है तो ऐसा भागवत में कहा है कि उस नगर में सिर्फ एक ही विमान आया है जो स्वर्ग लेके जाएगा उस कथा में सभी बैठे हुए लोगों को। लेकिन एक ही विमान क्यों आया? गोकर्ण जी ये भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आपने एक ही विमान क्यों भेजा? क्योंकि कथा ने तो सबने सुनी है, कथा तो सभी समान रूप से सुने हैं। कहते हैं कि नहीं 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 गोकर्ण, कथा सभी समान रूप से नहीं सुने, बैठे तो सभी थे लेकिन कोई कथा में बैठा नहीं था। ये हम जीने के लिए हुए प्रसंग है कि हम कथा जब श्रवण करने जाते हैं तो कथा में ही बैठे। बैठने का मतलब ये है कि उसमें मन और तन दोनों कथा में है। आज जो विमान आए हैं सिर्फ एक विमान आया है। गोकर्ण जी ने विमान में जाने से मना कर दिया है स्वर्ग। कहते महाराज मैं कैसे चला जाऊं क्योंकि मैं तो मुक्त हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो और नगर के लोग हैं ये तो मुक्त नहीं हुए, और जब तक ये मुक्त नहीं होते तब तक मेरा कार्य खत्म नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। गोकर्ण जी नहीं गए। और ये बात समझ लीजिए कि कथा में जब आते हैं तो बैठने से बात नहीं बनेगी। मन से भी आप कथा में हो, तन से भी आप कथा में हो, तब कथा में बैठने का अभिप्राय है, तब प्रयोजन है कि आप कथा में बैठे। कई लोग आते हैं सिर्फ कथा में हाजिरी लगा दिए, ठीक है महाराज कथा में गए थे ना, क्या करना, और भी तो कार्य देखना है। तो फिर आपको भी वैसे ही मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो कथा में बैठने से अभिप्राय नहीं है बंधु, कथा में सिर्फ जाने से मतलब नहीं है, कथा में तन और मन से आपको एकत्रित होना पड़ेगा। निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 0971-740-8645, 0888-22-0330।